सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साइड में लगे हुए उसके आइकन बेल के बटन को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप सो आप सब अच्छे से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट के एग्जाम के बारे में। तो गेट 2018 के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो अब भरे जा रहे हैं, और गेट का एग्जाम जो है, जो गेट 2018 का एग्जाम है, उसमें बीटेक पास आउट और बीटेक फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो गेट 2018 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो बच्चे AMIE पास आउट हैं वो बच्चे भी जो हैं गेट 2018 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर्स की हुई है वो स्टूडेंट्स भी जो है गेट 2018 के थ्रू जो है डायरेक्ट PhD में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं गेट के एग्जाम में। और दूसरी बात यह है कि गेट का एग्जाम देने की या गेट का एग्जाम देने से क्या बेनिफिट है। गेट का एग्जाम देने से बेनिफिट ये है कि गेट के एग्जाम के थ्रू जो है, जो भी उसमें आपका जितना अच्छा आप उसमें अपना स्कोर लाएंगे, उसके बिहाफ पे जो है आप उतने अच्छे कॉलेज में या IITs में या NITs में M.Tech में एडमिशन ले सकते हैं हायर स्टडी के लिए, या फिर MS में एडमिशन ले सकते हैं। और जो मास्टर्स वाले हैं वो PhD में एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पे आप जो अच्छे अच्छी PSUs कंपनीज हैं उसमें भी इंटरव्यू में आप लोग बैठ सकते हैं। आप PSUs कंपनी जैसे आपका है BHEL, HAL, आपका दूसरा NTPC, NHPC और आपका जो है इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और आपका जो है और भी बहुत ONGC, तो और भी बहुत सारी कंपनीज हैं PSUs, वो सब जो क्या करती हैं, जो गेट स्कोर कार्ड लेके आते हैं बच्चे, जो गेट का एग्जाम को अच्छी मेरिट के साथ जो है, अच्छी परसेंटाइल के साथ जो है उसको क्लियर करते हैं, वो उन बच्चों के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, और उस इंटरव्यू के बिहाफ पे जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देती है। और दूसरा प्रोसीजर एक अलग है कि गेट वाला बीटेक वालों को भी बुलाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फिर वो रिटन टेस्ट वगैरह, GD, HR और आपका जो है क्या नाम है, अलग अलग राउंड होते हैं, उसके बाद जो है वो सिलेक्शन करती है। लेकिन जो बच्चे गेट स्कोर कार्ड के साथ आते हैं या गेट क्वालिफाई करके आते हैं अच्छे परसेंटाइल के साथ, उनको जो है वो जितनी PSUs हैं वो जो है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए हायर करती हैं उन बच्चों को। दूसरा बेनिफिट ये है। और थर्ड बेनिफिट ये कि जो बच्चे बाहर जाके, इंडिया से बाहर जाके जो है हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो कुछ वहाँ पर जो है फॉरेन में कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जो कि एक गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पे जो है बच्चों को अपने यहाँ हायर स्टडी करने का चांस देती हैं, मौका देती हैं। तो ये है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, गेट देना चाहिए और आपको गेट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, गेट जो है इस बार कंडक्ट करा रही है, गेट का जो एग्ज़ाम है 2018 के लिए जो कंडक्ट करा रही है वो आपका IIT गुवाहाटी कंडक्ट करा रही है। तो आप इस वीडियो के स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि ये वेबसाइट का नाम आ रहा है www.gate.iitg.ac.in। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पहले एक गेट 2018 करके फिर एक इम्पोर्टेंट डेट की टेबल बनी होगी, और उस टेबल के नीचे आप देखेंगे कुछ क्विक लिंक्स दिए होंगे। तो उसमें आपका एक तो गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस सिस्टम दिया होगा, जिसमें कि आप जो है
किस तरह से अप्लाई करना, उसका सारा प्रोसीजर उसमें दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे जो आपका फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप देखना चाहें किस टाइप के क्या है क्वेश्चन उसमें। थर्ड नंबर पे ब्राउचर दिया हुआ है। ब्राउचर में अगर आप देखेंगे तो ब्राउचर में जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा ब्राउचर दिया हुआ है गेट 2018 के बारे में, हर एक चीज़ उसके अंदर दी हुई है। क्या मतलब पूरी एक बुलेट टाइप है 2018 का जो गेट होगा एग्जाम होगा उसके बारे में, उसमें प्रोसीजर आपका फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस क्वेश्चंस सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो उस ब्राउचर को आप जो है पहले अच्छे से पढ़ें, उस ब्राउचर को पढ़ने के बाद जो है फिर आप जो है गेट के फॉर्म को ऑनलाइन भरें उसको, ठीक है, या उसमें रजिस्ट्रेशन करें अपना ऑनलाइन, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं गेट के 2018 के एग्ज़ाम की, तो 1 सितंबर 2017 से 5 अक्टूबर 2017 तक जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब फॉर्म भरे जाएंगे 5 अक्टूबर 2017 तक, और जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 3rd, 4th और आपका 10th और 11th फरवरी 2018, ये 4 डेट हैं जिनमें एग्ज़ाम होने हैं। तो जब आपका जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको पता लग जाए कौन सी डेट को एग्ज़ाम होना है बस। लेकिन गेट का एग्ज़ाम जो 1st और 2nd फेब में ही होता है हमेशा, 1st और 2nd वीक ऑफ फेब इसी में ही होता है। तो 3rd, 4th और आपका 10th और 11th फेब 2018 में जो है आपका एग्ज़ाम होगा गेट का। वो जिस जिस ट्रेड को या जिस जिस इंजीनियरिंग का कब होना है, या आपका जो इंजीनियरिंग साइंस वालों का होना है, लाइफ साइंस वालों का होना है, वही चार उन चारों में सी डेट जो है आपकी कोई ना कोई एक डेट रहेगी। बीटेक वालों के लिए, पीएचडी वालों के लिए, मास्टर्स वालों के लिए, और आपका लाइफ साइंस वालों के लिए, इंजीनियरिंग साइंस वालों के लिए, तो अलग अलग डेट रहेंगी इसमें। तो यही 4 डेट्स में से कोई एक डेट आपके एग्ज़ाम की रहेगी, ठीक है। और जो इसका रिजल्ट आएगा, वो जो रिजल्ट इसका आएगा वो आएगा 17th मार्च 2018 को, ठीक है। तो आप इस वीडियो के अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके जो है आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और ब्राउचर में अच्छे से उसको पढ़ के समझ के तब आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है गेट 2018 के लिए। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।